हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जो आता है वो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कहाँ पे होता है? एक तो आप स्मॉल लेटर्स को पढ़ने में काम लेते हैं इसका यूज़, दूसरा कोई भी फिंगरप्रिंट्स में काम आता है, डिटेक्टिव में आप जो डिटेक्टिव होते हो फिंगरप्रिंट्स में इसका यूज़ करते हैं, ज्योतिषी इसका यूज़ करते हैं हाथों की रेखाओं को देखने के लिए, और घड़ी वाले जो होते हैं जो मैकेनिक होते हैं वो भी ऑलमोस्ट इसका यूज़ करते हैं। तो इसका हम डायग्राम समझते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर है यू डिस्टेंस पर, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इसकी फाइनल इमेज बनती है उसी साइड में ए डैस बी डैस, ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, पढ़ लिया होगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है। एक्चुअली मैग्नीफिकेशन पावर को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, ये एक रेशियो होता है दो एंगल्स के बीच का, दैट इज बीटा पॉन में अल्फा। बीटा एंगल क्या होता है कि जो फाइनल इमेज ऑप्टिकल सेंटर पे बनाती है, यहाँ पे देखिए बीटा है सी पे बना हुआ है एंगल, और ऑब्जेक्ट उसी लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट उसी लाइन पे बनाता है वो होता है अल्फा, और ये जो डिस्टेंस होती है ये जो पॉइंट यहाँ पे दोनों लाई करते हैं वो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं। तो अगर बीटा और अल्फा एंगल्स बहुत ही स्मॉल हैं तो इसको अप्रॉक्सीमेट टेन बीटा और टेन अल्फा से हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन वन बनेगा। ट्रायंगल ए डैश, अब देखिए बीटा और अल्फा की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो हमें टोटल मैग्नीफिकेशन यहाँ पर मिलेगा। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, चेक करेंगे कहाँ पे है एंगल, ए डैश बी डैश सी ये एंगल, इसमें टेन बीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है, बेस क्या है आपका बी डैश सी, इक्वेशन नंबर टू। ऐसे ही टेन अल्फा के लिए हम लेते हैं ट्रायंगल ए वन बी डैश सी, ट्रायंगल ए वन बी डैश सी जो है यहाँ पे टेन अल्फा है ए वन बी डैश अपॉन में बी डैश सी, ए वन बी डैश अपॉन में बी डैश सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम वन, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर इन तीनों के हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि दो इन दो इक्वेशन की वैल्यू अगर फर्स्ट में पुट कर दें तो मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी इंटू बी डैश सी अपॉन में ए वन बी डैश, बी डैश सी तो कैंसिल आउट होगा, ए डैश बी डैश अपॉन में ए वन बी डैश, और ए वन बी डैश की जो वैल्यू है वो ए बी के जस्ट इक्विवेलेंट है तो इसको हम ए बी बी से रिप्लेस कर देंगे। ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, फाइनल फाइनल हाइट ऑफ इमेज है और ये है इनिशियल जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, और लेंस के केस में हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यह होता है वी अपॉन में यू। मैग्नीफिकेशन होगा माइनस डी बाई यू, क्योंकि वी की वैल्यू माइनस डी यहाँ पे लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है कि जो वैल्यू ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रहेगी वो माइनस में जाएगी और जो राइट में है वो प्लस, तो यहाँ पे ये लेफ्ट में है तो माइनस डी अपॉन माइनस यू, ये दैट इज डी बाई यू, इक्वेशन नंबर फोर। अब हम लेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं क्योंकि मैग्नीफिकेशन में हमें इसको इंट्रोड्यूस कराना है, तो वन बाई वी माइनस वन बाई इक्वल टू वन बाई एफ, यहाँ पे होगा वी की वैल्यू माइनस डी है, u की वैल्यू प्लस u है और f की वैल्यू 1 बाई एफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई यू माइनस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई एफ, क्योंकि मैग्नीफिकेशन में d बाई यू है तो हम d से इस पूरे सब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो d बाई यू माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू d बाई एफ, जैसे आप देख ही रहो मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा d बाई यू की वैल्यू m है, m माइनस 1 इक्वल टू d बाई एफ, देन m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ये था हमारा इक्वेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इसमें। तो अब हम इसके अब नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम मैग्नीफाइंग पावर को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। उसमें भी दो केस होते हैं, एक होता है जब फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पे और एक होता है जब फाइनल इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इसमें दो केस होते हैं। पहला केस होता है कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब जो फाइनल इमेज की न्यूनतम दूरी क्या है वो डी होता है। अब इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक होता है आई लेंस। ठीक है, ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। दिस इज नोन एज आई लेंस। अब इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से रे एक स्ट्रेट जाती है और ये इस लेंस के फोकस पे जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर जाती है तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। ये दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो रेंज होता है ये फोकस के अंदर होता है, मतलब कि जो आई लेंस के फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये लाई करता है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। तो अब इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। वो कैसे बनती है कि यहाँ से रेज आती है, यहाँ से जाने के बाद ये फोकस जाती है इस लेंस के, जितना फोकस इधर होता है उतना इधर होता है। तो जब ये इसके फोकस से जाती है तो स्ट्रेट निकल जाती है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो उसी पाथ से, मतलब कि ये उसी पाथ पे निकल जाती है। तो अगर इन दोनों रेस को हम पीछे मिलाते हैं तो ये यहाँ पर इसकी इमेज बनती है बड़ी सी ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि ये ऑब्जेक्ट है। इस केस में इसकी इमेज यहाँ बनती है और ये जो इमेज बनती है ए डैश बी डैश, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करती है, जिसकी फाइनल इमेज बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश पे। क्योंकि हमें पता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो दूरी होती है जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की हाइट को और इमेज की हाइट को एक लाइन पर रखना है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। मैग्नीफाइंग पावर क्या है? बीटा पावर में अल्फा होता है। बीटा, अगर ये एंगल छोटे हो तो आपको पता है कि टेन बीटा और टेन अल्फा से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पर देखिए यू नॉट इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ है एफ नॉट, इसकी जो इमेज बनेगी वो बी नॉट हो जाएगी। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करता है तो यू ई यानी कि आई लेंस का ऑब्जेक्ट और इसकी फाइनल इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ये फोकल लेंथ आई लेंस का। अब क्या होता है इसमें टेन बीटा के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ये ट्रायंगल लेते हैं तो टेन बीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे ही ट्रायंगल ए वन बी डबल डैश सी टू के लिए अल्फा एंगल के लिए, यहाँ पे अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा ए वन बी डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश सी टू, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन से हमें क्या होता है, अगर इनकी वैल्यूज़ को वहाँ पुट करते हैं तो बी डबल डैश सी टू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलता है ए डबल डैश बी डबल डैश और ए वन बी डबल डैश। बट आपको पता है कि ए वन बी डबल डैश की अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो बराबर है ए बी के। अब इस ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें हम एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि ए डैश बी डैश जो इस इमेज की हाइट है उससे डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश, ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आई लेंस के लिए। और ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब अपने आपको पहले बताया कि आई लेंस के लिए जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन का, वन प्लस डी अपॉन में एफ ई होता है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे वन प्लस डी बाई एफ ई, और एम नॉट की वैल्यू जो हाइट के केस में है वो डिस्टेंस के केस में हम लिखेंगे तो बी नॉट अपॉन में माइनस यू नॉट हो जाएगा, बी नॉट अपॉन में माइनस यू, क्योंकि माइनस साइन क्यों, क्योंकि लेफ्ट में है। अगर मान लीजिए सिंस ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी ये फोकस के बिल्कुल क्लोज लाई करता है तो यू नॉट और एफ नॉट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाएगी। और अगर ये वाली इमेज इसके बहुत ही क्लोज बनती है तो V नॉट की जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस जाएगा इन दोनों लेंस के बीच में, दैट इज़ L, हम उसको L से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमें मैग्नीफिकेशन मिलता है M इक्वल टू L अपॉन में माइनस एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन में एफ ई। तो ये केस होता है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनती है,
इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस डायग्राम को जैसे बनाएं ऐसे बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको अगर नंबर अच्छे लाने तो ऑप्टिक्स में डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपकी है वो टेलीस्कोप के बारे में उसको आप अच्छे से समझ सको। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में।